आजमगढ़ प्रतिपुर थाने के लड़बारी ग्राम में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। शराब को लेकर की गई थी दोनों व्यक्तियों की हत्या। आज पृथ्वीपुर थाना अंतर्गत ग्राम लड़बाड़ी के पास खेतों में देर रात्रि 2 बजे से 3 बजे के लगभग 2 किसानों के खेत में फसल की रखवाली करते समय हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तत्काल ही घटना के कारणों की जांच की और 10 घंटे के अंदर ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस थाना पृथ्वीपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम लड़बारी खास में मूंगफली की खेती फसल की रखवाली कर रहे 2 किसानों जहां पर सूरी डीमर एवं काशी राम डीमर की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से कर दी थी। हालांकि कुछ ही देर बाद घटना का एक चश्मदीद युवक भी सामने आ गया, जिसने बताया कि ग्राम के ही एक युवक शिव दयाल डीमर ने उसके साथ भी हत्या का प्रयास किया और किसी तरह वह अपने आप को बचाकर भागा। आरोपी ने ही उसको बताया था कि वह 2 लोगों की हत्या कर उसके पास आया है, अब उसे भी नहीं छोड़ेगा। मृतक सूरी डीमर हत्या आरोपी शिवदयाल का चाचा है और भतीजे ने ही अपने चाचा की हत्या कर दी। आज निवाड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना के कारणों का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक एवं आरोपी प्रतिदिन शराब पिया करते थे और मृतक चाचा सूरी डीमर कई दिनों से लगातार आरोपी शिवदयाल को अपने रुपयों से मंगाई हुई शराब पिला रहा था। जब चाचा एवं एक अन्य व्यक्ति ने आरोपी से शराब लाने को कहा तो वह नाराज हो गया और उसने अपने चाचा सूरी डीमर एवं काशी राम डीमर की हत्या कर दी। वहीं आरोपी पास में ही खेत में मौजूद एक व्यक्ति के पास जाकर पीने के लिए पानी मांगा एवं उसके बाद उसको भी मारने के उद्देश्य से पीछे से पकड़ लिया। हालांकि वह युवक किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर भाग गया और उसी युवक ने मृतकों के परिजनों एवं ग्रामीणों को रात में ही घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाइट लगाएं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।